हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हमारा जो चैप्टर चल रहा है, पहला ही चैप्टर है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, और इसमें आज न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र के बारे में पढ़ाया था, तो हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न वहीं से है। प्रश्न है कि एक अम्लीय यौगिक का प्रतिशत संगठन निम्न प्रकार है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा आपको दे दी गई है और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा दी गई है। इसके बाद उन्होंने यदि यौगिक का वाष्प घनत्व आपको दे रहे हैं 30 है, तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि यौगिक का अगर हमें अणुसूत्र ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम उसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं। और मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि मूलानुपाती सूत्र हम निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हमें उसकी प्रतिशत मात्रा ज्ञात होनी चाहिए। अगर ज्ञात नहीं है तो हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको प्रतिशत मात्रा दी गई है C बराबर 40% और H बराबर आपको दे रहा है 6.66%। फिर यौगिक का आपको वाष्प घनत्व दिया गया है, यौगिक का अणुसूत्र पूछ रहा है। चलो अच्छी बात है कि हमें इसमें यानी कि तत्वों की प्रतिशत मात्रा दे दी गई है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है C बराबर हमें दे रहा है 40% और H बराबर हमें दे रहा है 6.66%। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है कि हमें जितने भी तत्व दिए जाते हैं, हम सबकी प्रतिशत मात्रा को जोड़कर देखते हैं कि अगर 100 के लगभग पहुँच जाती है, करीब या पूरी 100 हो जाती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है। और यदि 100 के आसपास नहीं पहुँची, जैसे 70 पर पहुँच गई, 80 पर पहुँच गई है ना, तो इस प्रकार से अगर पहुँचती है तो वहाँ पर फिर ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है। तो यहाँ पर हम इन्हें दोनों को जोड़कर देख रहे हैं। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46.66। तो यानी कि इसमें ऑक्सीजन है, तो हम ऑक्सीजन की भी प्रतिशत मात्रा ज्ञात कर रहे हैं बराबर। यानी कि ऑक्सीजन की ज्ञात करने के लिए हम क्या करना, परसेंटेज को हम 100 से 100 मानते हैं ना, यानी कि तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इन दोनों की प्रतिशत मात्राओं को जोड़ देंगे और 100 में से घटा देंगे। तो 100 माइनस दोनों की जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगी 46.66%। तो अब इसे हम क्या करते हैं कि 100 में से इसे कम कर देते हैं, तब हमारे पास आ जाएगा 53.34%। ये हमारे पास ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा आ गई है 53.34%। अब अगर हम तीनों को जोड़कर देख रहे हैं तो आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से मूलानुपाती सूत्र के लिए जो हमने आपको टेबल दी थी, हमने आपको टेबल इस प्रकार से दी थी, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं तत्व, फिर इसके बाद प्रतिशत मात्रा, फिर इसके बाद में परमाणु भार, फिर इसके बाद में परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या है ना, और लास्ट में हमारे पास आता है सरल अनुपात। तत्व, प्रतिशत मात्रा, परमाणु भार, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या और सरल अनुपात। तत्व तो हमारे पास कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब देखते हैं कार्बन की प्रतिशत मात्रा आपके पास 40, हाइड्रोजन की 6.66, ऑक्सीजन की 53.34, ठीक। अब परमाणु भार हमें नोट करना है, तो कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब यहाँ पर परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या ज्ञात करनी है। परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि तत्व की प्रतिशत मात्रा में उसके परमाणु भार का भाग दे देते हैं। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा यहाँ पर क्या है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा है हमारे पास 40 अपान परमाणु भार कार्बन का आ गया है 12। 12 का हम इसमें भाग देंगे तो 12 × 36 पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा, फिर 12 × 36 फिर 40 हो जाएगा, यानी कि 3 आता रहेगा। इसी प्रकार से हाइड्रोजन का देखते हैं, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 6.66, परमाणु भार है 1,
एक का इसमें भाग देंगे आ जाएगा 6.66। इसी प्रकार से ऑक्सीजन की देखते हैं, ऑक्सीजन की होती है 53.34, परमाणु भार है हमारे पास 16, भाग देंगे आ जाएगी 3.33। ठीक है, तो ये हमारे पास परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या आ गई है। अब परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या जो आई है, ज्ञात हुई परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या में से जो संख्या सबसे छोटी होती है उस संख्या का सभी संख्याओं में भाग देते हैं और सरल अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या का हम भाग दे रहे हैं 53.33/53.33, है ना। यानी कि जो सबसे छोटी संख्या है वो हमारे पास क्या है, 3.33। तो हमने 3.33 में 3.33 का भाग दिया है, जब भाग देंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। इसी प्रकार से हम इसमें भी 53.33 का भाग देंगे, 3.33 भाग देंगे क्या आ जाएगा, 2। फिर इसमें भी हम 3.33 का भाग देंगे, जब हम भाग देंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो अब हमारे पास जो सरल अनुपात आया है, सरल अनुपात हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम सरल अनुपात, यानी कि C अनुपात, H अनुपात, O बराबर 1:2:1। तो आपका यहाँ से मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा C कितने हैं, C हमारे पास है 1, H कितने हैं, 2, ऑक्सीजन 1। ये आपका हो गया है क्या, मूलानुपाती सूत्र। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, अणुसूत्र पूछ रहा है। तो हमने अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए आपको क्या बताया था, हमने बताया था अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र का होल एन, है ना। तो मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2O, और इसका क्या करना है, होल एन। एन बराबर हमने आपको क्या बताया था, जो एन होता है, एन बराबर होता है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार। अब यहाँ से हम अणुभार कहाँ से ज्ञात करने जाएंगे, हमारे पास बाष्प घनत्व है तो हम अणुभार निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं अणुभार बराबर 2 × बाष्प घनत्व। ठीक है, अब बाष्प घनत्व आपके पास क्या है, 30, अणुभार आपके पास क्या आ गया, 60। अगर बात करते हैं कि n = अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार, तो मूलानुपाती सूत्रभार कहाँ से आएगा, कि जो हमारे पास मूलानुपाती सूत्र है उसका अणुभार ज्ञात करते हैं। मूलानुपाती सूत्र हमारे पास क्या है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र भार बराबर, अब देखो मूलानुपाती सूत्र हमारे पास क्या है, CH2O, कार्बन का परमाणु भार 12 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, इन्हें हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 30। तो यहाँ पर अणुभार तो आपके पास आ गया है 30 × 60 और मूलानुपाती सूत्र भार आपके पास आया है 30। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे अणुभार अपान मूलानुपाती सूत्रभार, अणुभार है आपके पास 60, मूलानुपाती सूत्रभार है 30, काटेंगे n बराबर आ गया 2। तो अब ये n का मान जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा अणुसूत्र बराबर CH2O, n का मान 2 है, 2 का अंदर कर रहे हैं गुणा C2H4O2, ये तो इसका अणुसूत्र हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अणुसूत्र हमें मालूम हो गया, यहाँ पर संरचना सूत्र अगर हम इसका लिखना चाहें तो संरचना सूत्र भी लिख सकते हैं। संरचना सूत्र हो जाएगा CH3COOH, यानी कि जिस अम्लीय यौगिक का अणुसूत्र पूछ रहे हैं वो उस अम्लीय यौगिक का जो अणुसूत्र आया है वो आपके पास क्या आया है, C2H4O2, ठीक है ना। और इसका जो संरचना सूत्र आया है, संरचना सूत्र आपके पास आया है CH3COOH।
तो अगर हमसे इस प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो हम इसी तरीके से उसे हल कर सकते हैं। प्रश्न था हमारे पास कि एक अम्लीय यौगिक का प्रतिशत संघटन निम्न प्रकार है। सी की हमें प्रतिशत मात्रा दी गई है, एच की प्रतिशत मात्रा दी गई है। हमने आपको बताया है कि जब भी हमारे पास जो प्रतिशत मात्राएँ दी जाती हैं उनको हम जोड़ कर देखते हैं। अगर जोड़ने पर उनका मान 100 के लगभग आ जाता है तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। अगर जोड़ने पर उनका मान 100 के लगभग नहीं आता है तो उसमें ऑक्सीजन है। तो हमने इन दोनों की प्रतिशत मात्राओं को जोड़कर देखा, 46.66 आएगा, यानी कि ये 100 के निकटतम नहीं है तो इसमें ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि 100 में से जितनी भी प्रतिशत जिन तत्वों की जो भी प्रतिशत मात्राएँ दी जाती हैं उन्हें जोड़कर हम 100 में से घटा देते हैं। तो हमने यहाँ पर घटाया है, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा हमारे पास आ गई है 53.34%। फिर इसके बाद मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए हमने आपको एक टेबल दी थी। टेबल वो हमारी इस प्रकार से थी कि तत्व, फिर इसके बाद प्रतिशत मात्रा आती है, फिर परमाणु भार, फिर परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, फिर सरल अनुपात। हमारे पास तत्व कौन कौन से हैं, एक आपका कार्बन हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गई। हमने तीनों तत्वों को लिखा हुआ है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा है आपके पास 40, वो हमने यहाँ पर नोट की है। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 6.66, वो हमने यहाँ पर नोट की है। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा आई है निकलकर 53.34, वो हमने यहाँ पर नोट की है। अब इसके बाद में क्या है, परमाणु भार। तो कार्बन का जो परमाणु भार है वो कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब इतना हो गया है, इसके बाद आता है परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या। तो परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि जो तत्व की प्रतिशत मात्रा है उस प्रतिशत मात्रा में हम तत्व के परमाणु भार का भाग दे देते हैं। तो हमने यहाँ पर इसमें भाग दे दिया है, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या आ गई है 3.33। इसी प्रकार से हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा में हाइड्रोजन के परमाणु भार का भाग दिया है, इसके परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या आई है 6.66। इसी प्रकार से ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा में ऑक्सीजन के परमाणु भार का भाग दिया है, इसकी भी प्रतिशत मात्रा आ गई है 3.33। अब जब प्रतिशत मात्रा परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या हमारे पास आ जाती है तो परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या में से जो संख्या सबसे छोटी होगी आपकी, उस संख्या का सभी संख्याओं में हम भाग देते हैं और सरल अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या, अगर कार्बन के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या की बात करें तो कार्बन के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या आई है 3.33, है ना, हाइड्रोजन की 6.66 और ऑक्सीजन की 3.33। तो ये जो संख्याएं हैं, तो ये कुल मिलाकर हैं तो आपस में बराबर, लेकिन सबसे छोटी तीन में से यही संख्या है, कौन सी, 3.33। तो हमने 3.3 का सभी में भाग दिया है, तो 3.3 का खुद इसमें 3.33 में भाग देंगे तब आ जाएगा हमारे पास 1, फिर 3.33 का 6.66 में भाग देंगे आ जाएगा 2, फिर 3.33 में 3.33 का भाग देंगे आ जाएगा 1। तो हमारे पास यहाँ से सरल अनुपात आया है, सी अनुपात, एच अनुपात, ओ बराबर 1:2:1। मूलानुपाती सूत्र हमारे पास हो गया है CH2O। अड़सूत्र हमारे पास क्या आ जाएगा, अड़सूत्र के लिए हमने आपको बताया था कि अड़सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र का होल एन, ठीक है। अब यहाँ से अगर n का मान ज्ञात करने जाएंगे तो n का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, n का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। तो हमारे पास यहाँ से हमने अणुभार ज्ञात किया है, जब हम अणुभार ज्ञात करने के लिए गए हैं तो हमने देखा है कि अणुभार बराबर होता है 2 × बाष्प घनत्व। ये फार्मूला है आपका कि जब भी आपको बाष्प घनत्व दिया जाएगा तो वहाँ पर जो हम अणुभार ज्ञात करने जाएंगे तो अणुभार हम इसी तरीके से ज्ञात करेंगे, बाष्प घनत्व का ठीक 2 होता है आपका अणुभार। तो यहाँ पर यौगिक का बाष्प घनत्व आपको दिया जाएगा तो ये आपके यौगिक के बाष्प घनत्व का अणुभार हो जाएगा 30×60। फिर इसके बाद हमने मूलानुपाती सूत्रभार किया, ज्ञात किया है तो बबू वो आ गया आपका 30। तो n का मान ज्ञात करने जाएंगे तो n का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमने आपको बताया है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्रभार। तो अणुभार आपके पास 60 है और मूलानुपाती सूत्रभार आपके पास 30 है। तो अणुसूत्र यानी कि अब यहाँ से देखेंगे कि जो n का मान है, n का मान क्या आया है,
30 दूनी 60, n का मान 2 आ गया है, तो n का मान उठाकर जब हम यहाँ पर रखेंगे तो अड़ सूत्र हमारे पास आ जाएगा C2H4O2। और संरचना सूत्र जब हमने इसका लिखा है तब हमें पता चला है कि ये जो यौगिक है वो आपका कौन सा है, एसिटिक अम्ल है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे जो भी न्यूमेरिकल हैं, जितने भी प्रकार के हैं, आपको अधिक से अधिक लगवाएंगे, थोड़ा देखते रहिए और अपनी नोट्स अवश्य तैयार करें, क्योंकि विद्यालय जिस दिन से खुल जाएंगे, आप विद्यालय में जिस दिन से आएंगे, तो हम आपको वहीं से पढ़ाएंगे जहां से हमने आपको ऑनलाइन क्लास में छोड़ा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।